नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दायरे में शमशान मार्केट में पहुंच चुकी थी, जहां पर लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा हुई थी। राहुल गांधी जहां नहीं पहुंचे हैं, वहां के लोग भी राहुल गांधी को सुनने के लिए अधिक मात्रा में इकट्ठे हुए थे। लोगों का कहना है कि यह कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, बल्कि यहां आम जनता की हक की बात की जा रही है। लोगों के अनुसार जानबूझ के पेपर लीक किया जा रहा है, जिससे लोगों को जॉब वैकेंसी नहीं मिल रही है। 50 से 100 सीटें ही निकाली जा रही है और आरएसएस से जुड़े विद्यार्थी को ही सुविधा मिल रही है। आज के यूथ जॉब को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। सामाजिक मुद्दों को ध्यान में ना रखकर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। चलिए सुनते हैं वायर चैनल द्वारा लिए गए इंटरव्यू को। आप क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधी की बात से, क्या समझ में आपको? मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी आज के जननायक हैं। किसान आज धरने पर बैठा है। जो यहाँ हक मांगे वो आतंकवादी, जो हक मांगे वो खालिस्तानी। ये कहाँ का इंसाफ है? देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम अमेरिका, चीन, जापान, लंदन जाकर अपनी बात सुनाएंगे? वहाँ जाकर हक मांगेंगे जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा? माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। आपने देखा होगा इनके विधायक एमपी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं। मणिपुर के अंदर क्या हुआ, ये मीडिया भी सोई हुई है। देश का छोटा स्तंभ है, ये भी पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहा है। कुछ है जो दिखा रहे हैं। अगर आप सच्चाई पर आ जाए तो देश बदलाव कर रहेगा। सोशल मीडिया का जमाना है। ये जो भीड़ आई हुई है, ये प्रधान की, कोटेदार की, ठेकेदार की, सेक्रेटरी की, वीडियो की नहीं है। ये जनता खुद आई हुई है, पैसों पर बुलाई हुई नहीं है। ये पौवे वाली बिरयानी वाली मीडिया वो नहीं है। कुछ नहीं मिला यहाँ आने के लिए, कुछ नहीं मिला। मिला, भूखे सुबह से खाना भी नहीं खाया, अपने पैसे से आए हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं, और जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, ये याद रखना मैडम। आप बोलिए क्या, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। और जब देश आजाद हुआ था, किसान और मजदूर सबसे ज्यादा आगे थे, नौजवान। और आज भी किसान, मजदूर और नौजवान सबसे आगे हैं इस देश को बदलने के लिए। इतना अच्छा बोलते हैं तो आप नेता क्यों नहीं बन जाते? देखिए, नेता बोलने से अच्छा नहीं, बोलते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया, झूठ भी ऐसी सफाई से बोलते हैं, झूठ भी ऐसे सफाई से बोलते हैं कि पूछो ना भाई। नेता बनकर अगर झूठ बोलना हो तो हम कभी नेता नहीं बनेंगे, हमें नेता नहीं बनना। नेता का मतलब होता है सच कहना, सच बोलना, सर्व जाति का सम्मान करना, सर्व धर्मों का सम्मान करना, देश हित में बात करना। आज जो नेता है वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, गीता को कुरान से लड़ाते हैं, मंदिर को मस्जिद से लड़ाते हैं। और 5 मुद्दों पर भाजपा ने काम किया है, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। छठा मुद्दा उनके पास है नहीं है।